मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारी लाइफ में यू नो लाइक देयर आर सम लाइक मेजर इवेंट्स हैपनिंग इन योर लाइफ जो आपने सोचा भी नहीं होता है कि आपके साथ ये होगा और वो होता है हमारे साथ, तो आप ऐसे स्टेज में चले जाते हैं, डिप्रेशन वाले स्टेज में चले जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और आपके आसपास के सराउंडिंग के जो लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली रिलेटिव्स, वो लोग ये बोल रहे होते हैं आपको कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होने वाला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। पर वो सारे जो उन लोगों के जो एडवाइसेस होते हैं वो सब हम पे कुछ असर ही नहीं हो रहा होता है उस वक्त, क्योंकि हम उस फेज में होते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उसमें से हम उस वक्त अपने आप को कैसे निकालें। देखिए, इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे साथ में कुछ बहुत बुरा हो गया है और वैसा हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये कहना गलत होगा कि हमने सोचा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो हमने सब कुछ सोच ही रखा होता है, बट रेपिटेटिवली उसके बारे में हमने नहीं सोचा। फॉर एग्जाम्पल, हमें बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि एक ना एक दिन सबकी डेथ होने वाली है, बट हम बैठ करके सोचते नहीं है, कंटेम्पलेट नहीं करते हैं कि कल इसकी डेथ हो गई तो क्या होगा। फिर एकदम से किसी की डेथ हो जाती है तो हमको समझ ही नहीं आता हम उससे डील कैसे करें। तो इसका मतलब आपको पता तो है कि ऐसा कुछ होता है दुनिया में, बट हम एक तरीके से अपनी आंखें बंद करके रखते हैं, हम रियलिटी को देखते ही नहीं है। फिर जैसे ही हमारे साथ वो होता है, औरों के साथ होता है, तो हम जा करके उनको सलाह देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम कभी उनको समझा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर वो बीती ही नहीं है अभी तक। देखो, जब आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है ना, फिर आप किसी को समझाओगे तो वो एक अलग लेवल से आप समझाओगे, बट अगर आपके खुद के साथ में वो नहीं हुआ है और फिर आप किसी को समझा रहे हो तो वो ऊपर ऊपर लेवल से होता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन, दिस एंड दैट, वट एवर इट इज। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, वॉट इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर दिस? क्योंकि उस वक्त आपको कोई भी कुछ भी बोलता रहे तो थोड़ी देर के लिए तो फर्क पड़ेगा। जैसे मेरी कोई वीडियो देख ली या किसी की कोई बात सुन ली तो थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि हाँ, बात तो ठीक है ये वो, बट वापस से हम उसी थॉट्स की साइकिल में जा करके फंस जाएंगे। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है, देखना, ध्यान से समझना और बताना मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। फिर प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि वो हुए तो कई दिन हो जाते हैं, कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। तो कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ 10 दिन पहले या 1 महीना पहले या 2 महीने पहले, उस वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बार बार इसके बारे में क्यों सोच रही हूं। सो देन यू स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस अबाउट गेटिंग स्ट्रेस, आपको गुस्सा आने लग जाता है अपने ऊपर कि मैं बार बार ये क्यों सोच रही हूं, मुझे पता तो है कि आई शुड मूव ऑन, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूं, मैं इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूं। तो ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। देन आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो, आपको खुद के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होने लग जाती है, यू स्टार्ट गेटिंग एंजाइटी बिकॉज यू आर गेटिंग एंजाइटी। तो ये एक लूप बन जाता है, हम डिनायल फेज में चले जाते हैं ना, कि कुछ वक्त तक ये था कि ये हो रहा है तो वो शॉकिंग फेज था, उसके बाद हो गया है तो अब डिनायल फेज है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी अच्छी थी पूरी पूरी लाइफ में, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैं हमेशा अच्छी ही रही हूँ, मैंने अच्छे के साथ अच्छा ही किया है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो हम डिनायल फेज में चले जाते हैं, सब लोग आके कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, पर क्यों हुआ, ऐसे फेज में हम चले जाते हैं। और फिर हमें उससे हमारी बिगिनिंग न्यू लाइफ स्टार्ट करनी होती है, कि सब कुछ भुला के छोड़ के हमें फिर से न्यू स्टार्टिंग करनी होती है। वो कहने के लिए बहुत ही ईजी होता है पर करने में बहुत ही हार्ड हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कहना बड़ा आसान होता है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार आप अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछते चले जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, दैट इज वन। उसका कोई जवाब नहीं है, दुनिया में जो भी होता है वो क्यों होता है उसका कोई जवाब नहीं है। वहां पे अर्थक्वेक आया और कुछ लोग मर गए, ऐसा क्यों हुआ, कोई जवाब नहीं है। या किसी ने आपको धोखा दे दिया, क्यों दिया, तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, जिसको अगर हम ट्रेस कर भी लेंगे तब भी हाथ में कुछ नहीं आएगा। सो क्यों इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क एट दैट पॉइंट इन टाइम। इनफैक्ट ये जो वाई जो क्वेश्चन है ना, ये हमको फंसा देता है वहां पर। यू शुड आस्क व्हाट हैपेंड, तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा क्या हुआ, ये नहीं कि क्यों हुआ, क्योंकि क्यों हुआ वो तो आपको पता ही नहीं है। आपने पूछना है अपने आप से क्या हुआ, उसको एक पेपर पे लिख दिया, फिर अपने आप से पूछो कि मैं इससे डील क्यों नहीं कर पा रही हूं, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम।
राइट, वो ही होता। प्रॉब्लम इज नॉट कि जो हुआ वो अकेले आपके साथ नहीं हुआ, वो तो बहुत लोगों के साथ हो चुका है। उसमें से कुछ लोग हैं जो उससे जल्दी बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग हैं जो जल्दी बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा थिंकिंग नहीं कर रहे होते उस चीज को लेके। ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो थिंकिंग तो दोनों ही करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब ऐसा कुछ हमारे साथ में होता है ना, तो अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक लड़ाई होती है। और उस वक्त क्या होता है उस इंसान के साथ में, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो सिचुएशन में है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। जैसे आपकी बॉडी में जो दर्द है उसको आप समझ सकते हो, मैं नहीं समझ सकता हूं। तो आप ध्यान से समझते हैं, ऐसा क्या फर्क होता है उन लोगों में जो जल्दी बाहर आ जाते हैं, जब भी उनके साथ में कुछ बुरा होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। कुछ हैं जो बाहर नहीं आ पाते हैं जल्दी, या फिर कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं। देखना, ध्यान से समझना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही कि उस वक्त हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक लड़ाई होती है। तो लड़ाई को जीतने के लिए, चाहे वो लड़ाई कोई भी हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उसकी तैयारी कब करनी होती है? जिस वक्त आप उस लड़ाई में हो या उस लड़ाई से पहले? जिस वक्त हो। मान लो आप एक कॉम्पिटिशन के लिए गए हो ओलंपिक्स में, दैट कुड बी रेसलिंग, दैट कुड बी बॉक्सिंग, तो उसकी तैयारी क्या वहां पर रिंग में जाने के बाद में करनी है? तो कब करनी है वो? तो जो होती है ओलंपिक्स, वो तो हमें पता है कि वो आने वाली है, पर ये तो हमें पता नहीं कि आने वाला है। That is the problem, right? Life में, अभी देखना, ध्यान से समझना, आपने कहा ओलंपिक्स में हमें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है 4 साल बाद, तो उसकी तैयारी हमने आज से शुरू कर दी। 4 साल तक सुबह से रात तक तैयारी करी, तब हम रिंग में उतरे, अगर हमारी तैयारी ठीक है तो। बट जिंदगी क्या है कि जिंदगी में आपके साथ, मेरे साथ, या किसी भी इंसान के साथ में इतना कुछ बुरा होने वाला है जिसकी कोई हद ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग तैयारी करते हैं ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को फेस करने के लिए, वो तैयार रहते हैं, कुछ बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। वो अपनी एक फेरी टेल वाली एक दुनिया में होते हैं, जहां पर वो सोच रहे होते हैं कि नहीं, मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा एक्चुअल में लाइफ में नहीं होता है। दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ में अभी आप जिस भी कॉन्टेक्स्ट से, जिस भी स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है, बट आर यू श्योर कि इससे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आने वाली है? No. इससे बड़ी भी आ सकती है ना। हो सकता है उस प्रॉब्लम के आगे ये प्रॉब्लम कुछ भी ना हो, जो भी आई है। आर यू रेडी फॉर इट? दैट इज द बिग क्वेश्चन। उसकी क्या तैयारी है हमारी? अब प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए तैयारी कहीं भी नहीं होती है ना। हमारे घर में कोई हमको तैयार करता है ना, स्कूल में तैयार करता है ना, कॉलेज में तैयार करता है। हर कोई क्या बोलता है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अरे पॉजिटिव सोचने से अच्छा कैसे हो जाएगा? आप जितना मर्जी पॉजिटिव सोच लो, जो होना है सो होना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई हस्बैंड है, वाइफ है, अगर उसका कहीं किसी की तरफ अट्रैक्शन होना है या कोई अफेयर होना है बाहर किसी के साथ में, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? वो होना है तो होना है, और नहीं होना है तो नहीं होना है। समझ गए? वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम अपना रिलेशन अच्छा रखें सामने वाले के साथ में। उसके बावजूद भी अगर वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हमारे जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? सो इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होता है, इन सिग्नल्स को देखना होता है। हम देखते ही नहीं है। ऐसा नहीं है लाइफ में हमको सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, मिलते हैं कहीं ना कहीं से। किसी फ्रेंड के साथ में कुछ हुआ होता है तो वहां से हमको सिग्नल मिलता है कि अच्छा, उसके साथ में हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन हम डिनायल मोड में रहते हैं। हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, उसके साथ में हो गया, मेरे साथ में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और हमारे आसपास जो होते हैं वो नहीं समझ सकते कि मैं एक कौन सी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, तो वो लोग मुझे सैर भी नहीं देख सकते हैं। वो लोग मुझे टाइम भी नहीं देते हैं कि मैं इस चीज से उभर जाऊँ। वो लोग यही बोल रहे थे कि यू नो कि नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि वो हमें ऐसे डिप्रेस मोड में नहीं देख सकते हैं। पर हमें इस चीज से निकलने के लिए टाइम चाहिए होता है, इस चीज से निकलने के लिए। तो उनको भी हम नहीं समझा सकते कि हम क्या फेस कर रहे हैं। बेसिकली क्या करना है, अपनी ब्रेन को बॉम्बार्ड कर दो ऐसी इंफॉर्मेशन से जिससे कि आप उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकल सके।
हर तरफ ऐसी आपको बुक्स मिलेंगी, यानी बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो भी आपके साथ में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई डोंट नो क्या हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ब्रेकअप. तो ब्रेकअप के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं जो उन लोगों ने लिखी है जिनके बहुत ही गंदे ब्रेकअप हुए हैं. गंदा मतलब क्या, कि जहां पर ऐसा लग रहा था कि हम तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, फिर भी अलग हो गए, वो गंदा ब्रेकअप है. अच्छा ब्रेकअप मतलब क्या, कि जहां पे डे वन से ही था कि यार काश अलग हो जाए तो अच्छा है, बेकार की सरदर्दी है. तो ऐसे लोग जिनका गंदा ब्रेकअप हुआ है उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ो, उनके एक्सपीरियंसेस सुनो. ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, यहाँ पे वहां पे, ऐसी बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, पढ़ो. तो औरों के जब आप एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे सुनोगे, तो उनकी जब कहानियां सुनोगे और वो आपसे भी बहुत बड़े लेवल की कहानियां होंगी, तो एक तो वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे कि उन्होंने कैसे ओवरकम किया. तो अगर उनको एक साल लगा ओवरकम करने में, तो मे बी वो थॉट उनके माइंड में एक साल बाद आया, वो आइडिया उनके माइंड में एक साल बाद आया कि इसको ओवरकम कैसे करना है. लेकिन अगर उस बुक को आपने आज पढ़ लिया तो आपको एक साल नहीं लगेगा, आप आज ओवरकम कर जाओगे. आप समझ गए मेरी बात? मतलब एक है हम अपने एक्सपीरियंसेस से खुद सीखें, एक है किसी और के एक्सपीरियंस से सीख ले, दैट इज अ फास्टर वे टू लर्न. तो आपको ऐसी बहुत वीडियोस मिलेंगी, बहुत बुक्स मिलेंगी, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे आप समझ सकते हो. मे बी ऐसे टाइम में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, अगर बाहर आने में प्रॉब्लम हो रही है. क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की खास बात क्या होती है कि वो अनबायस्ड होकर के सुनते हैं. ऐसे में बहुत बार पता है क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो हमारे अंदर ही होता है. तो अब उस सोल्यूशन तक पहुंचा कैसे जाए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. उसके दो तरीके होते हैं, या तो जो भी मन में आ रहा है वो लिखते चले जाओ. तो लिखते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको क्लियर होने लग जाएगा कि एग्जैक्टली इससे बाहर कैसे आना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डायरी ले लो, उस डायरी में ऊपर लिख दो हाउ टू गेट ओवर दिस प्रॉब्लम, वॉट एवर दैट प्रॉब्लम इज. और ये सोचो कि ये किसी और के साथ हुई है, आपके साथ नहीं हुई है, किसी और के साथ में हुई है. अब आप एक बुक लिख रहे हो इसके ऊपर, तो अब लिखो वहां पर कि कैसे कैसे इससे बाहर आया जा सकता है. तो आइडियाज लिखो, तो धीरे धीरे आपको वहां से आइडियाज आएंगे. दूसरा, जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजिस्ट वगैरह से आप बात कर सकते हो. उसमें क्या होता है, वो लोग बैठ के सुनेंगे आपकी बात, वो बोलेंगे नहीं, वो सुनेंगे. तो सुनते 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 क्या होगा, जब वो सुन रहे होंगे और आप बोल रहे होंगे, तो बोलते बोलते आपके खुद के ही जो थॉट्स है वो क्लियर होने लग जाएंगे. प्लस जैसे मैंने बताया कि आप पढ़ सकते हो ऐसी बुक्स, ऐसे वीडियोस देख सकते हो, मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, और धीरे धीरे करके आप इन सब चीजों से बाहर आ सकते हो. हमें अपने आप को अंदर से ही एनकरेज करना होगा कि यू नो इस प्रॉब्लम से निकलना ही है. हाँ, कोई और तो आपको नहीं कर सकता ना. कोई और कुछ भी बोलता रहे, कितना भी बोलता रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है. आपको खुद ही अपने अंदर से बोलना होगा I want to get out of it. तो आपको रास्ते नजर आने लग जाते हैं वहां से बाहर निकलने के. एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं. तो आराम से देखो उन रास्तों को और एक एक करके वहां से बाहर आते चले जाओ. आई एम श्योर यू कैन ओवरकम इट. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में बहुत लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हो.